गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को इंग्लिश रीडर में चैप्टर नंबर 8 रीड करवाया था। टाइटल था हमारा फॉर गिविंग इज़ बेटर देन पनिशमेंट, यानी कि हम अगर चाहें, अगर हम मन से किसी को फॉरगिव कर दें यानी कि क्षमा कर दें, है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है किससे, किसी को पनिशमेंट देने से, यानी कि हमें किसी को सज़ा देने से अच्छा है कि हम उसे माफ़ कर दें। तो इसमें हमने कार्तिक और उसके भाई के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिस उसके भाई का नाम क्या था, शिखर। तो हमने पढ़ा था कि कार्तिक अपने ब्रदर को बहुत लव करता था, लेकिन शिखर क्या करता था, शिखर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता था जिससे कार्तिक को प्रॉब्लम होती थी। धीरे धीरे कार्तिक के मन में क्या आने लग गया, ग्रजेस, यानी कि उसके मन में यह आने लग गया कि अब मैं उससे बदला लूँगा, ठीक है। तो जब शिखर कार्तिक को खेलने के लिए बुलाता है तो कार्तिक मना कर देता है और कार्तिक अब उस पर हर बात पर गुस्सा करने लग जाता है। फिर जब वो उसको अकेला खेलता हुआ देखता है तब कार्तिक रियलाइज़ करता है कि वो एक दूसरे के साथ ही खुश हैं, अकेले अकेले वो दोनों खुश नहीं हैं, है ना। तो इस तरह फिर कार्तिक जाकर उसको सॉरी कह देता है, शिखर भी कार्तिक को सॉरी कह देता है और इस तरह दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब कभी भी लड़ेंगे नहीं, ठीक है, और अपने मन में बदले की भावना कभी भी नहीं रखेंगे। तो यह हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी लाइव क्लास में पढ़ लिया था। अभी जो मुझे आपको डिस्कस करना था इस वीडियो में वो था इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स एंड एक्सरसाइज। तो देखो वर्ड मीनिंग्स में फर्स्ट है फॉरगिव। आपको ये 1 to 6 पूरे वर्ड मीनिंग्स अपने नोटबुक में करने हैं, ठीक है। फॉरगिव मतलब क्या होता है, फॉरगिव मतलब होता है किसी को क्षमा कर देना, गलती को माफ़ करना, ठीक है। पनिशमेंट मतलब सजा देना। वैगन मतलब क्या होता है, एक तरह की गाड़ी है, ठीक है, या फिर हम इसे माल डिब्बा भी कहते हैं। ग्रज मतलब शिकायत रखना। अमेंड्स मतलब सुधरना और अंडरनीथ मतलब नीचे, ठीक है। तो ये 1 to 6 वर्ड मीनिंग आप अपने नोटबुक में करेंगे। साथ ही साथ अब हम इसके एक्सरसाइज पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। हु वॉज शिखर, शिखर कौन था, तो शिखर कार्तिक का ब्रदर था तो इसलिए हमने टिक कर दिया कार्तिक्स ब्रदर। सेकेंड है वाई वर कार्तिक एंड शिखर अनहैप्पी। कार्तिक और शिखर दोनों अनहैप्पी क्यों थे, अनहैप्पी मतलब क्या होता है, नाखुश, है ना, वो खुश क्यों नहीं थे, बिकॉज देवर अलोन, क्योंकि वो लोग अकेले थे इसलिए वो लोग खुश नहीं थे। थर्ड है हु हिट द बॉल ऑन कार्तिक्स हेड, कार्तिक के हेड पर, सर पर किसने बॉल मारी, तो वो किसने मारी थी, शिखर ने मारी थी, तो हमने शिखर को टिक कर दिया। फोर्थ है वॉट डिड कार्तिक एंड शिखर लर्न दैट डे, उस दिन कार्तिक और शिखर क्या सीखे, तो उन्होंने क्या सीखा, फॉरगिविंग ईच अदर इज़ नॉट वेरी हार्ड, उन्होंने ये सीखा कि एक दूसरे को माफ़ कर देना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। जब हम किसी से अपने मन में बदले की भावना रखते हैं वो चीज़ हमारे लिए हार्ड होती है, माफ़ कर देना तो बहुत ही आसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट है व्हाई डिड कार्तिक फील बैड टू हिज ब्रदर, कार्तिक को बुरा क्यों लग रहा था अपने भाई के लिए। कार्तिक फेल्ट बैड टू हिज ब्रदर बिकॉज हिज ब्रदर मेड हिम मैड, उसको इसलिए बुरा लगता था क्योंकि उसका भाई जो था शिखर वो उसको हर समय गुस्सा दिलाने का काम करता था, ठीक है, तो इसलिए कार्तिक को अपने भाई पर गुस्सा आता था। सेकेंड है डिड कार्तिक गो टू प्ले शिखर व्हेन ही कॉल्ड हिम, जब शिखर ने कार्तिक को बुलाया था कि चल अपन खेलते हैं तो क्या कार्तिक गया था, तो हमने आंसर लिखा नो, कार्तिक डिड नॉट गो टू प्ले विद शिखर व्हेन ही कॉल्ड हिम, वो नहीं गया था। थर्ड है हु फॉरगिव हुम एंड व्हाई, किसने किसको माफ़ कर दिया था और क्यों, तो हमने लिखा दे बोथ फॉरगिव ईच अदर बिकॉज दे लर्न दैट फॉरगिविंग ईच अदर इज़ नॉट हार्ड, उन दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया था क्योंकि वो लोग ये चीज़ सीख चुके थे कि किसी को माफ़ करना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है वर बोथ ऑफ देम हैप्पी आफ्टर बीइंग अलोन, क्या अकेले होने के बाद जब वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे तब क्या वो लोग खुश थे, तो हमने लिखा नो देवर नॉट हैप्पी आफ्टर बीइंग अलोन, वो लोग अकेले रुक कर खुश नहीं थे, ठीक है। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट पूछा है डैश चेंज द टीवी चैनल इन द मिडल ऑफ अ शो, कौन ऐसा था जो कोई शो चल रहा और उसके बीच में टीवी का रिमोट लेकर चैनल चेंज कर देता था, तो वो था शिखर, ठीक है। सेकंड है शिखर ट्राइड एंड ट्राइड टू मेक डैश टू गेट कार्तिक टू प्ले,
कार्तिक खेले इसके लिए शिखर क्या कर रहा था, तो वो कोशिशें कर रहा था, ठीक है। थर्ड है, कार्तिक स्टार्टेड फीलिंग डैश टू द थिंग्स दैट ही हैड डन। कार्तिक को कैसा फील होने लगा था, तो उसको सॉरी फील होने लग गया था, ठीक है। उसने जो भी किया शिखर के साथ, उस चीज़ पर उसको सॉरी फील होने लग गया था। फोर्थ है, डैश फॉरगॉट ऑल द बैड थिंग्स। कौन सारी बुरी चीज़ों को भूल गया, तो सारी बुरी चीज़ों को कार्तिक भूल गया। फिफ्थ है, दे बोथ डैश ईच अदर। दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, माफ़ कर दिया, यानी कि फॉरगिव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है, कार्तिक हेटेड हिज ब्रदर। कार्तिक अपने भाई से नफरत करने लगा था, बिल्कुल सही। नहीं, कार्तिक अपने ब्रदर से नफरत करने लग गया था, नहीं, कार्तिक अपने ब्रदर से बहुत प्यार करता था, बस वो अपने ब्रदर से थोड़ा गुस्सा हो गया था, इसलिए हमने लिखा फॉल्स। सेकेंड है, शिखर एट द कुकी कार्तिक वॉन्टेड टू हैव फॉर अ स्नैक। तो शिखर ने वो कुकीज़ खा ली थी जो कि कार्तिक ने रख रखी थी कि वो एज अ स्नैक, यानी कि नाश्ते के तौर पर खाएगा, तो वो शिखर ने खा ली थी, ये बिल्कुल सही है, तो हमने लिख दिया ट्रू। थर्ड है, कार्तिक रिफ्यूज़ टू प्ले विथ शिखर बिकॉज ही हैल्ड अ ग्रज। कार्तिक ने शिखर के साथ खेलने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उसके मन में ग्रजेस थे, यानी कि वो चाहता था कि अब वो भी शिखर को सजा दे, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू। फोर्थ है, कार्तिक नेवर फॉरगेव शिखर फॉर हिज मिस्टेक। कार्तिक ने कभी भी शिखर को उसकी गलती के लिए माफ़ नहीं किया, तो ये फॉल्स है, उन दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया था, तो ये हो गया हमारा ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो इस चैप्टर की रीडिंग मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में करवा दी थी, और ये जो हमारा एक्सरसाइज पार्ट है और जो वर्ड मीनिंग्स है, वो मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट, वर्ड मीनिंग से लेकर ट्रू फॉल्स तक का पूरा पार्ट, आप अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे। लर्न करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको इसको लर्न भी करना है और पूरा वर्क आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट भी कर लेना है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप उनसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट होंगे मैं उसको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में, टिल देन आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिए एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।